दोस्तों, आज के ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट में हम देखने वाले हैं हिस्ट्री के 70 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। एक बार टेस्ट को पूरा एंड तक लगाइएगा, उसके बाद आपको भी लगेगा कि हाँ, ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं अगर आपने पहले एग्जाम दिया होगा। देखिए, आरपीएफ एसआई हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे यूपी कांस्टेबल हो, चाहे एसएससी जीडी हो, हिस्ट्री के क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। आप टेस्ट एंड तक लगाइए, 70 में से आप कितने सही कर पाते हैं, कितने आपको आंसर पता है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ इस टेस्ट को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों को। अगर आप चाहते हैं लगातार इसी तरीके से प्रैक्टिस टेस्ट की वीडियो, साथ ही साथ रीजनिंग मैथ की वीडियो भी आपको मिलती रहे, तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, आपके पास हर रोज़ नोटिफिकेशन पहुँचने स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टेस्ट को। और इससे पहले मैं दो वीडियो और अपलोड कर चुका हूँ हिस्ट्री के क्वेश्चन की, उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। मैथ रीजनिंग की वीडियो के प्लेलिस्ट भी वहाँ पे है डिस्क्रिप्शन में, वो भी वहाँ से आप देख सकते हैं। आपको हर एक क्वेश्चन में 5 से 6 सेकंड दिए जाएंगे, उस 5 से 6 सेकंड में आप नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। प्लीज़ एक लाइक जरूर करिएगा टेस्ट को, ताकि इसी तरीके से मैं आपके लिए वीडियो लेके आता रहूँ, मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो ये क्वेश्चन हजारों बार पूछा जा चुका है, ए बी सी डी में से कौन सा राइट रहेगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, पहले का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? तो कौन सा ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, जल्दी से बताइए। 2 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया? तो तीसरे का राइट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, अगर आप यहां पे ऑप्शन ए लगा रहे हैं। ठीक है, देखिए आपको जो टाइम दिया जाता है, इसमें आंसर देने की जरूर कोशिश किया करें, चाहे भले ही गलत दो, बट आंसर जरूर दिया करें कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 4, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे 4 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस गुप्त शासक से भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी? तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे 5वें का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जल्दी से बताइए। आई होप कि आपको इसका आंसर पता हो। तो 6 का राइट आंसर देखिए बिल्कुल सही, अगर आप ऑप्शन सी लगा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे? तो बिल्कुल सही, यहाँ पे 7वें का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? तो 8 का सही उत्तर आपका बिल्कुल सही, अगर आप ऑप्शन डी लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए पहले वाला भी सही है, दूसरे वाला भी सही है ऑप्शन, और सी ऑप्शन भी सही है, यानी कि उपरोक्त सभी ऑप्शन डी राइट आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ पे 10वें का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, मंदिर निर्माण की कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ?
तो बिल्कुल सही, यहाँ पे 11वें का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है। तो दोस्तों 12वें का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और ये आपका बिल्कुल सही गुप्त हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, हर्षवर्धन की राजधानी थी। ये भी हजारों बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो दोस्तों 15 का जो राइट आंसर रहेगा वो आपका बिल्कुल सही है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी। तो बिल्कुल सही है, 16 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने हराया था। तो 17 का देखिए राइट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा अगर आप ऑप्शन सी लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय युद्ध को अंत किसने जीता। सॉरी, 18 का राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो 19 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों अगर टेस्ट पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, और टेस्ट को पूरा एंड तक लगाने की ही कोशिश करिएगा, जब भी फ्री हो तब लगाया करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की विशेषता थी। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 20वें का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, 712 ईस्वी में भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया। तो 21वें का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22, महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए। तो ये बिल्कुल सही है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 23, महमूद गजनवी के आक्रमणों में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था। देखिए ये क्वेश्चन भी हजारों बार पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसका 23 का जो राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। जी बिल्कुल सही, अगर आप बी ऑप्शन लगा रहे हैं तो वेरी गुड, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत का विद्वान अलबरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की। तो बिल्कुल सही है, 24 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 25, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था।
तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 26, शाहनामा के रचयिता हैं। तो 26 का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 27, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों सारे। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चोगान यानी कि पोलो खेलते समय हो गई? तो यहाँ पे 27वें का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, कुतुब मीनार का निर्माण किस सूफी की याद में किया गया था? तो यहाँ पे देखिए 28 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? ये क्वेश्चन भी आप सभी को पता होगा, राइट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, बहुत ही आसान सा है क्वेश्चन। तो 29 का जो राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30, एकतादारी प्रथा किसने प्रारंभ की? तो 30वें का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में सिजदा एवं पाबोस प्रथा की किसने शुरुआत की थी? ये भी बहुत बार पूछे जाते क्वेश्चन, और यहाँ पे 31 का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की? तो 32 का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33, तूती ए हिंद हिंद का तोता किसे कहा जाता है जाता था? तो 33 का राइट आंसर भी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? दोस्तों अगर पसंद आ रहा है ना टेस्ट, मज़ा आ रहा है, तो लाइक तो बिल्कुल बनता है, एक तो लाइक जरूर करिएगा। क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है, 34 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, किताब उल रेहला का लेखक इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो बिल्कुल सही है, 35 का राइट आंसर ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, दीवान ए अमीर को ही विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? 36 भी काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे 36 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 37 एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इससे दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर तथा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? यानी कि आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि जजिया कर किस पे लगाया था, तो ब्राह्मणों पर ये पूछ लिया जाता है। अभी आपको क्वेश्चन में बता दिया कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, किसने लगाया था ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 37, तो बिल्कुल सही है, अगर आप 37 का राइट आंसर ऑप्शन सी लगा रहे हैं। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38,
सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक ने किया? 38 है आपका। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था? तो जो 39 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। आई होप कि आपको प्रॉपर टाइम मिल रहा होगा, बोर तो नहीं हुए ना अभी तक टेस्ट में? 70 क्वेश्चन है भाई, 40 समझिए हो गए आपके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है कि सुल्तान ने टोपरा तथा मेरठ से अशोक स्तंभ लाकर दिल्ली में स्थापित करवाया? देखिए जो सीरियस स्टूडेंट होते हैं ना वो देख लीजिए इस टेस्ट को, क्या पता इसमें से ही 5-6 क्वेश्चन मिल जाए तो समझिए कितना हेल्पफुल रहेगा ये टेस्ट आपको। ठीक है, क्योंकि सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। तो देखिए 40वें का राइट आंसर आप बिल्कुल सही लगा रहे हैं, अगर आप ऑप्शन ए को लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41, बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो 41 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42, 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो 42 का राइट आंसर बिल्कुल सही आप लगा रहे हैं, अगर ऑप्शन सी का टिक लगा रहे हैं। 43, अष्ट दिग्गज किस शासक के दरबार को सुशोभित करते थे? तो बिल्कुल सही है, 43 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44, कृष्णा देव राय द्वारा रचित अमुक्त माल्य किस भाषा का ग्रंथ है? तो बिल्कुल सही है, 44 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, प्रसिद्ध विठल स्वामी का मंदिर तथा हजारा का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो 46 का आपका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47, सुहरावर्दी सिलसिला का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो 47 का जो राइट आंसर रहेगा वो बिल्कुल सही है, अगर आप ऑप्शन सी लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 48, सूफी संतों के शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 49, विशिष्टता द्वैत मत के प्रवर्तक हैं? तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, अद्वैतवाद मत को प्रवर्तन किसने किया था? तो आपका जो रहेगा
50 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, उत्तर भारत में पंक्ति आंदोलन के विस्तार का श्रेय किसे है? तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 52, निम्न में से किस संत का संबंध जुलाहा जात से था? तो बिल्कुल सही है, 52 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 53 है, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका जैसी भक्ति रचनाएं किस भक्ति संत की हैं? तो बिल्कुल सही है, 53 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन ते तेने कहिए के रचयिता कौन थे? तो बिल्कुल सही, 54 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 55, साखी एवं शब्द रचनाएं किस संत की है? तो दोस्तों 55 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में किसके मध्य हुआ था? देखिए ये भी पूछ जाता है कि कब हुआ था और किसके बीच हुआ था, ये भी पूछ लिया जाता है। तो 56 का राइट आंसर जल्दी से बताइए। और ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 57, भारत में मुगल वंश का संस्थापक था? तो देखिए यहाँ पे 57 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, किस शासक की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? तो देखिए 58 अभी बहुत बार पूछा गया और अभी भी ये पूछा गया था आरपीएफ में भी, तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, शेर शाह का प्रारंभिक नाम क्या था? तो दोस्तों बिल्कुल सही है, अगर आप 59 का राइट आंसर ऑप्शन डी लगा रहे हैं। ठीक है, तो भाई देखिए 60 आपके क्वेश्चन समझ ही हो गए, 10 और बचे हैं तो इनको भी लगा लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे हैं। 60वें का राइट आंसर बताइए, दिल्ली स्थित पुराना किला का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पे 60 का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। 61, शेर शाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों 61 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये भी बहुत बार पूछा जाता है और ये अभी पूछा गया था, शायद ये आप क्वेश्चन था कि सासाराम में किसका मकबरा स्थित है, तो शेर शाह यहाँ पे राइट आंसर हो जाता, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। अभी मैंने जो पेपर एनालिसिस किया था आरपीएफ एसआई का, उसमें देखा था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 62, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो यहाँ पे देखिए जो आपका राइट आंसर रहेगा 62 का वो ऑप्शन बी हो जाएगा भाई। 63, प्रसिद्ध हल्दीघाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में किसके मध्य हुआ था? तो ये भी आप याद रखिएगा।
तो यहाँ पे 63 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये टेस्ट अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अकबरनामा के रचनाकार थे। तो बिल्कुल सही है, 64 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अकबर ने, क्वेश्चन नंबर 65, अकबर ने दीन इलाही का प्रवर्तन किस वर्ष किया? तो यहाँ पे 65 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 66, निम्न में से किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर लगवाई थी? देखिए, जहांगीर और जंजीर कुछ सेम सेम सा है, तो याद भी रखने के लिए आपको ये ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगा। जंजीर किसने लगवाई थी? जहांगीर ने। ठीक है, तो इस तरीके से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 67, नूर जहां का वास्तविक नाम क्या था? तो 67 का देखिए सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और 68 है, किस मुगल शासक के शासन काल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था? तो देखिए 68 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से किसके शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है? दोस्तों अगर टेस्ट आपको पसंद आया होगा तो बताइएगा ज़रूर। अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द लेकर आऊँ आपके लिए हिस्ट्री के क्वेश्चन की, तो जल्दी से वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आपका स्कोर क्या रहा है वो भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और 69 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आज के टेस्ट में इतने ही क्वेश्चन थे। अगर आपको आगे भी इसी तरीके की वीडियोज लेनी है, मैथ की हो चाहे रीजनिंग की हो चाहे ऑनलाइन टेस्ट हो, तो टॉपिक स्टडी का जो नीचे रेड कलर का बटन है उसको दबा करके चैनल के साथ में जुड़ जाइए। घंटी के आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास घंटी के आइकन को ऑन करने के बाद ही मिलता है। फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं।